हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं प्राची बेग विद प्राची में फिर से आपके लिए लेके आ गई हूँ एक नया वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं ब्लैक फॉरेस्ट केक में ये सिंपल सी एंड ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन डालने वाली हूँ, जो देखने में बहुत ही ईजी है, जो कि मैंने नूर के 24 नोज़ल नंबर से बनाया हुआ है। और ये केक देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था और उतना ही सिंपल था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इसको किस तरह से डेकोरेट किया है। सिंपली मैंने, जैसे आइसिंग करती हूँ मैं, उस तरह से मैंने चॉकलेट का स्पॉन्ज लिया हुआ था और फिर उसमें मैंने आइसिंग की अंदर क्रीम की, देन मैंने इसमें चॉको चिप्स डाल दिया और जैसे नॉर्मल मैं करती हूँ उस तरह से पूरा केक मैंने कंप्लीट कर लिया। और फिर इसको मैंने साइड में और ऊपर में लगा के फिनिशिंग दे दी। देखिए किस तरह से मैंने स्क्रैपर को साइड में रख के और टर्न टेबल घुमा दिया, जिससे कि हमारा केक बिल्कुल भी क्लीन हो जाता है। और पैलेट नाइफ को भी मैंने किस तरह से पकड़ा है, उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। कभी भी आपका केक अनइवन सा नहीं लगेगा, बिल्कुल एकदम क्लीन आएगा। जिस तरह से मैंने पैलेट नाइफ को पकड़ा हुआ है, उसी तरह से आप भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने इसको अच्छे से आइसिंग करके, मैंने दो ड्रॉप पैलेट नाइफ में ही ब्लू कलर लिया हुआ था और इसको इस तरह से टैप टैप करके मैंने नीचे की साइड में, केक के नीचे की साइड में इस तरह से इसको लगा दिया। और फिर से मैं इसको स्क्रैप कर दूँगी और उसके बाद मैं इसमें कर दूंगी ब्रश से इफ़ेक्ट। तो ब्रश से मैंने पहले भी आपको ये इफ़ेक्ट बता चुकी हूँ कि किस तरह से देते हैं। और ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। और इसको देखिए मैं ब्रश से किस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ कर दूंगी। और आप एक इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिए कि आप अपने जो आपका केक बेस है उसको क्लीन रखिए, ताकि जब भी आप कस्टमर को दीजिए तो बिल्कुल मैसी ना हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो और देखने में अच्छा लगता है। इसी तरह से मैंने केक को बिल्कुल क्लीन कर लिया और बिल्कुल भी मेरा कहीं से भी अनइवन सा नहीं दिख रहा है। इसी तरह से मैंने कर लिया था। देखिए मैंने ऊपर के पोर्शन में ये ब्रश को रखा हुआ है और इस तरह से टर्न टेबल घुमाती जा रही हूँ और ये प्रिंट बनता जा रहा है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी कर सकते हो। ये इसमें बिल्कुल भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और आराम से आप बना सकते हो। इसी तरह से मैंने नीचे का भी पोर्शन कर लिया और इसको मैंने कर लिया कंप्लीट। वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पहले मैंने डिज़ाइन के लिए छोटे नोज़ल का यूज़ किया। मुझे ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो मैंने उसको हटा के बड़ा नोज़ल ले लिया, जो कि 2D नोज़ल है। और इस तरह से मैंने पूरा अच्छे से फ्लावर बना के इसको डेकोरेट कर दिया और ऊपर से इसमें मैंने डाल दिया गोल्डन बॉल्स। गोल्डन बॉल्स डालने से ये और भी अट्रैक्टिव लगने लगा और भी सुंदर लगने लगा। ये केक का डिज़ाइन मुझे कस्टमर ने दिया था, जो कि उनको जैसा चाहिए था मैंने एज इट इज़ वैसे ही बना के उनको दे दिया और कस्टमर को भी पसंद आया वो केक। इस तरह से आप भी मेरे चैनल को फॉलो करके मेरी डिज़ाइंस बना सकते हो ईज़ली। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।